सो गाइस जैसा कि आप सबको पता है PUBG मोबाइल इंडिया का नाम बदलकर BATTLEGROUNDS मोबाइल इंडिया कर दिया गया है और ये काफी जल्दी आने वाला है। बट इसी के साथ आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको इसकी रिलीज डेट बताने वाला हूं और इसके प्री रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे और आपको इसके प्री रजिस्ट्रेशन कैसे करने हैं और यहां पर कुछ दिक्कत भी है इस गेम के साथ जो कि आपको जानना जरूरी है। यहां पर मैं आपको इसके 5 पॉइंट के बारे में बताने वाला हूं जो कि इसके एक नए रूल्स भी होने वाले हैं और सारी जानकारी आपको PUBG मोबाइल इंडिया यानी कि BATTLEGROUNDS मोबाइल इंडिया के बारे में जानने को मिलने वाली है। और आज इसका एक और नया अपडेट आया है जो कि इस वीडियो के अंदर आपको पता लग जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस सबसे पहले अगर मैं आज की न्यूज की बात करूं तो BATTLEGROUNDS मोबाइल इंडिया ने अपना एक लोगो रिवील किया है। तो गाइस जैसा कि आप इस स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो ये होगा BATTLEGROUNDS मोबाइल इंडिया का नया लोगो। अब जानते हैं बाकी की सभी जानकारी के बारे में, इसके प्री रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे, गेम कब लॉन्च हो सकती है और वो 5 रूल क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर इसके 5 रूल के बारे में। सो गाइस सब जानते हैं BATTLEGROUNDS मोबाइल इंडिया के 5 रूल के बारे में जो आपको पता होने चाहिए जो कि आगे चलकर अगर आप गेम खेलना चाहते हो तो आपके काम आएंगे। गाइस जो यहाँ पर सबसे पहला रूल है वो है 18 साल वालों के लिए। अगर आपकी एज 18 साल से कम है और आप इस गेम को खेलना चाहते हो तो गाइस आपको आपके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर भरकर वेरीफाई करना होगा तो ही यहाँ पर आप खेल पाओगे। और यहाँ पर जो सेकंड रूल है वो ये होने वाला है, अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो गाइस आप रोज के सिर्फ 3 घंटे ही गेम खेल पाओगे। 3 घंटे से ज़्यादा आप BATTLEGROUNDS मोबाइल इंडिया को नहीं खेल पाओगे अगर आपकी एज 18 साल से कम है। और गाइस यहाँ पर जो तीसरा रूल है BATTLEGROUNDS मोबाइल इंडिया का, अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो गाइस आप इसके अंदर सिर्फ 7000 रुपये ही भर पाओगे एक दिन के अंदर। यानी कि अगर आप कुछ परचेस करना चाहते हो BATTLEGROUNDS मोबाइल इंडिया के अंदर तो गाइस आप सिर्फ 7000 रुपये तक का ही परचेस कर सकते हो अगर आपकी एज 18 साल से कम है। पहले काफ़ी सारी आपने ऐसी न्यूज़ सुनी होगी, काफ़ी सारे जो बच्चे होते थे वो लाखों रुपये अपने पेरेंट्स के खराब कर देते थे गेम के अंदर परचेस कर। बट गाइस अभी यहाँ पर PUBG मोबाइल इंडिया वालों ने यहाँ पर एक लिमिट लगा दी है जो कि है 7000 रुपये की। इससे ज़्यादा एक दिन के अंदर आप खर्च नहीं कर पाओगे तो ये लिमिट काफ़ी अच्छा रूल है। गाइस BATTLEGROUNDS मोबाइल इंडिया का जो 4th रूल होने वाला है, आपकी जो मैच मेकिंग होगी वो इंडियन प्लेयर से ही होने वाली है क्योंकि गाइस ये जो गेम है ये सिर्फ इंडिया के लिए ही बनी है तो गाइस आपकी मैच मेकिंग सिर्फ इंडिया वालों से ही हो पाएगी। और जो इसका यहाँ पर 5वां रूल है वो ये है कि यहाँ पर आप सर्वर को चेंज नहीं कर पाओगे। गाइस जैसा कि आप पहले जो गेम थी आपकी PUBG उसके अंदर आप सर्वर को चेंज कर सकते थे, आपके पास काफ़ी सारे सर्वर के ऑप्शन थे, बट यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही सर्वर रहने वाला है यानी कि आप इसके अंदर सर्वर को चेंज नहीं कर पाओगे BATTLEGROUNDS मोबाइल इंडिया के अंदर। सो गाइस ये थे वो 5 रूल जो BATTLEGROUNDS मोबाइल इंडिया ने यहाँ पर अनाउंस किए हैं। साथ ही में यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है, जो आपका डेटा है वो भी यहाँ पर सेफ रहने वाला है ऐसा गेम वालों का कहना है और भी सिक्योरिटी रिलेटेड काफ़ी सारे इंतजाम यहाँ पर किए हैं BATTLEGROUNDS मोबाइल इंडिया ने। सब जानते हैं BATTLEGROUNDS मोबाइल इंडिया यानी कि PUBG की प्री रजिस्ट्रेशन डेट और इसकी लॉन्च डेट कब है। गाइस सबसे पहले इसके प्री रजिस्ट्रेशन आएंगे जिसको आपने करना होगा प्री रजिस्टर इस गेम को। गाइस ये गूगल प्ले स्टोर के ऊपर भी हो सकते हैं या फिर इनकी वेबसाइट के भी ऊपर हो सकते हैं, बट मोस्टली चांस है कि ये गूगल प्ले स्टोर के ऊपर ही होने वाले हैं इनके प्री रजिस्ट्रेशन। और जो प्री रजिस्ट्रेशन है वो इसी मंथ यानी कि मई के मंथ में हो सकते हैं ऐसा एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। बट गाइस ये कंफर्म नहीं है, बट ज़्यादातर यही चांस है कि इसी मई के मंथ में इसके जो प्री रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे और आप प्री रजिस्टर कर पाओगे गेम को सबसे पहले खेलने के लिए। उसके बाद जो उसकी लॉन्च डेट की बात की जा रही है वो जून की बात की जा रही है, जून 2021 के अंदर यानी कि अगले महीने PUBG मोबाइल इंडिया यानी कि BATTLEGROUNDS मोबाइल इंडिया लॉन्च हो सकती है। बट गाइस ये पूरा कंफर्म नहीं है क्योंकि गाइस जो इसकी अनाउंसमेंट है वो अभी नहीं की है, इसकी प्री रजिस्ट्रेशन डेट और इसकी जो लॉन्चिंग डेट है इसकी अनाउंसमेंट अभी गेम के द्वारा नहीं की गई है। बट यहाँ पर मोस्टली जो चांस हैं और जो सभी बोल रहे हैं मई के अंदर यानी कि इसी मंथ इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और अगले मंथ यानी कि जून में आप इस गेम को डाउनलोड कर पाओगे या आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर देखने को मिल जाएगी। गाइस जो गेम है ये लोकल रूल के अकॉर्डिंग बनेगी, आपकी सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। गाइस इस गेम के अंदर जो फीचर्स हैं वो कुछ आपको चेंज देखने को मिल सकते हैं, बट गेम वैसा ही होने वाला है। इसके अंदर जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो इंडियन ऑडियंस के अनुसार चेंज की जा सकती है, काफ़ी सारे और अपडेट भी इस गेम के अंदर देखने को मिल सकते हैं, बट आपको मजा वही PUBG वाला ही आने वाला है। बट गाइस यहाँ पर एक और दिक्कत है, अभी तक कोई ऐसी न्यूज नहीं आई है जिसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दिया है, तो हो सकता है कि ये और भी जरा डिले हो सकती है। बट अभी मोस्टली चांस आ रहे हैं कि ये मई जून के अंदर आपको देखने को मिल सकती है, बट शायद गवर्नमेंट अप्रूवल होगा या फिर नहीं होगा इसका पता आपको कुछ टाइम के बाद पता लग ही जाएगा।
ट्वाइस ये थी पबजी मोबाइल इंडिया या फिर आप कह सकते हो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया, जो कि आपको मई जून के अंदर देखने को मिल सकती है। अगर आप बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।